हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 7 हाशियाकरण की समझ के प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, आदिवासी शब्द का आशय है, आशय लिखिए। तो आदिवासी शब्द का आशय है मूल निवासी। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 2 है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारे देश में जनजाति वाले राज्य जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के अरुणाचल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि। इसके बाद प्रश्न 3 है, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। तो लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद में सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो लिख देंगे, आदिवासी लड़की सोमा कहती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता, जिससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। इसके बाद प्रश्न 5 है, सामान्यतः आदिवासियों जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाता है। तो स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। प्रश्न 6 है, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियायतें के अधीन नहीं रहे। उत्तर लिख देंगे हम, 19वीं सदी के मध्य तक जो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था, इन इलाकों में इनकी गहरी पेट थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए रियासतों के अधीन नहीं रहे। इसके बाद प्रश्न अगला है, 7, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। उत्तर लिख देंगे, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 8, क्या कारण है कि खनन परियोजनाएं के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से अधिक आदिवासी समुदाय के हैं। तो लिख देंगे, जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है, काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। अतः सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय है। इसके बाद प्रश्न 9 है, यह आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यदि जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। आदिवासी लगभग 1000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से लगभग 800 प्रजातियां दवाई के तौर पर 325 प्रजाति गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर एवं 550 प्रजातियां रेशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानी की आवश्यकता क्यों है। तो लिख देंगे, मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक के वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानी की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से
इस पाठ के हास्यकरण की समझ के अंतर्गत सारे प्रश्न इस वीडियो में हल हो चुके हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को पूर्ण करने के लिए वीडियो बन रहे हैं। धन्यवाद है।